हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए हम थ्री बेसिक कंस्ट्रक्ट्स का यूज करते हैं और ये कंस्ट्रक्ट्स हैं सीक्वेंस, डिसीजन एंड इटरेशन। और हमने ये देखा था कि एटीएम ट्रांजैक्शन के थ्रू कैसे डिसीजन, सीक्वेंस एंड इटरेशन तीनों के तीनों उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में एसोसिएटेड थे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सीक्वेंस के कंसेप्ट को बताया था, इस वीडियो में मैं डिसीजन के कंसेप्ट को बताऊंगा। तो आइए एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूँ आपको सीक्वेंस के कंसेप्ट को। सो सीक्वेंस बेसिकली आपसे क्या कहता है कि जो भी आपने एल्गोरिथम लिखा है उसमें जो भी स्टेप्स हैं वो स्पेसिफाइड ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होने चाहिए। ऑर्डर अगर आप चेंज कर देंगे तो मतलब चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि एटीएम के केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिन एंटर करते हैं, और अगर पिन वैलिड रहा तो ही आप कैश विदड्रॉ करेंगे। इसे आप उल्टा नहीं कर सकते कि पहले कैश विदड्रॉ कीजिए फिर पिन मतलब एंटर कीजिए, तो क्या होगा, कैश विदड्रॉ करके लोग भाग जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर फ्रेंड्स ये सिंपल सा सीक्वेंस का कंसेप्ट था। तो सीक्वेंस को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, सीक्वेंस बेसिकली स्पेसिफाइज दैट ईच स्टेप और प्रोसेस ऑफ एल्गोरिथम मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन स्पेसिफाइड ऑर्डर। तो यह है सिंपल सा कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस। आइए अब देखते हैं डिसीजन के कंसेप्ट को। तो डिसीजन का कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी हम कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं या ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हमें कुछ डिसाइड करना होता है कुछ कंडीशंस के ऊपर, यानी पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगी तो हम कुछ एग्जीक्यूट करेंगे, फॉल्स होगी तब हम कुछ और एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये कहलाता है डिसीजन। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से समझाता हूँ, फिर बताता हूँ कि एल्गोरिथम डिजाइन करते समय इसे हम लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं हमारे वेबसाइट पर मैथ्स इन डेप्थ पर, तो मैथ्स इन डेप्थ पर वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंटर किया होगा तो ही आपको एक्सेस दिया गया होगा। तो इसे मैं आपको एक शॉर्ट क्लिप के जरिए समझाता हूँ। सो इस वीडियो को देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड का पेज दिखता होगा जहाँ पर आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला होगा। एक बार आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड सही डाला होगा देन आपको एक्सेस दे दिया गया होगा वीडियोस के लिए। तो इसे मैं एल्गोरिथमिक वे से कैसे लिख सकता हूँ, कुछ इस तरह देखिए, इसके नीचे मैं यहाँ पर लिखकर दिखा रहा हूँ वीडियो के नीचे, इफ यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ आर करेक्ट देन गिव एक्सेस टू एमआईडी वीडियोस। तो ये फ्रेंड्स इफ देन कंस्ट्रक्ट, यानी इफ के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो भी मैंने लिखी है चीजें यह है कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू होगी तो देन के बाद का जो भी स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। सो मुझे लग रहा आप समझ गए, इफ के बाद हम कंडीशन लिख रहे हैं एंड देन के बाद वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो इस कंडीशन को ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, यानी ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो देन के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा हम इसे नेस्ट भी कर सकते हैं, यानी इफ देन ऐसा नेस्टेड भी बना सकते हैं। कैसे, जरा देखिएगा, ये जो मैंने गिव एक्सेस टू एमआईडी वीडियोस लिखा है ना, इसकी जगह फिर से इफ देन आ सकता है कुछ इस तरह। यहां पर मैं आपको अमेजोन की वेबसाइट दिखाना चाहूंगा। अगर आपको आपने अमेजोन यूज किया होगा, कुछ प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते होंगे तो आपको लॉगिन पहले करना होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अमेजोन पे अलग तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर ईमेल और मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर पासवर्ड एक आपसे नहीं पूछा जाता, पहले ईमेल आईडी इंडिविजुअल पूछा जाएगा फिर पासवर्ड पूछा जाएगा। तो पासवर्ड अगर सही होगा तो आपको वेबसाइट पर एक्सेस दिया जाएगा। तो ये थोड़ा देखिएगा, हमारे वेबसाइट पे मैथ्स इन डेप्थ पे कैसा था कि लॉगिन आईडी पासवर्ड एक साथ डाल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर पहले पासवर्ड ईमेल आईडी डाले फिर पासवर्ड डाले फिर एक्सेस मिला। ठीक है, सो इसलिए इसका जो एल्गोरिथम है कुछ इस तरह का होगा। देखिए कि इफ ईमेल इज करेक्ट देन, मतलब पहले ईमेल करेक्ट हो गया फिर क्या होगा, देन इफ पासवर्ड इज करेक्ट देन गिव एक्सेस टू पेज। ओके, तो इफ ये इफ देन है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी ऐसा भी होगा और यहाँ पर भी था, वो मैंने आपको बताया नहीं, कि इफ में जो चीजें हैं वो अगर ट्रू हो जाती है तो देन के बाद वाला एग्जीक्यूट करना है, बट फॉल्स हो गई तो क्या करना है, तब हम इफ देन एल्स का यूज करते हैं। तो इसे मैं आपको YouTube के जरिए समझाता हूँ। सो देखिए, YouTube पे अगर कोई वीडियो प्राइवेट है तब आप उसे नहीं देख सकते, तो प्राइवेट वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको मैसेज आएगा वीडियो इज प्राइवेट। तो कोई वीडियो अगर पब्लिक है तो ही आप उसे देख सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको अब इस वीडियो क्लिप के जरिए समझाता हूँ। सो यहाँ पर मैं एक लिंक कॉपी करूंगा जो प्राइवेट वीडियो का है, तो जैसे इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ तो ये वीडियो मैं नहीं देख पाऊंगा और मुझे मैसेज आएगा दिस वीडियो इज प्राइवेट। अब मैं एक ऐसे वीडियो का लिंक यहाँ पर कॉपी करूंगा जो पब्लिक है और आप देखेंगे ये सॉन्ग शुरू हो गया। ठीक है, तो ये जो सॉन्ग था ये पब्लिक था पर इसके पहले जो मैंने दिखाया वो प्राइवेट था। तो यहाँ पर किस टाइप का डिसीजन हो रहा है, कुछ इस तरह का, देखिए कि इफ वीडियो इज पब्लिक देन प्ले द वीडियो एल्स प्रिंट वीडियो इज प्राइवेट। तो यह है इफ देन एल्स। इफ देन और इफ देन एल्स में क्या डिफरेंस है, इफ देन में हम सिर्फ ये बताते हैं
कि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो देन के बाद वाला एग्जीक्यूट करो, इफ देन एल्स में क्या होता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स के बाद जो लिखा है उसे एग्जीक्यूट करना है। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए इफ देन और एंड इफ देन एल्स में क्या डिफरेंस है। तो जब भी हम एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे तो इन चीजों का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था शॉर्ट कंसेप्ट ऑफ डिसीजन। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा इटरेशन के कंसेप्ट को। थैंक यू सो मच।